राम शेठ मात्र है से कई दिग्गज खिलाड़ी इस टीम को सपोर्ट, दिग्गज पॉलिटिशियन नेता इस टीम को सपोर्ट करते हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे आइए मंच पर, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और नेशनल स्वीट के ओनर प्रकाश भाई चौधरी ये भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए पहले पावर प्ले के सत्र में एक मैडन ओवर इस खिलाड़ी के नाम पर है, अजनबी ओहले टीम के खिलाफ चिंचोली श्रीराम स्पोर्ट्स के मैदान के ऊपर मैडन ओवर फेंका था इस गेंदबाज ने और वहां से अपने 2018-19 की शुरुआत की थी। तो यह मुकाबला बड़ा रफ एंड टफ होगा, वोडाफोन वाल के रोशन नाइक विपक्ष मेरना स्पोर्ट क्लब के विचुंबा के स्वप्निल कामले के बीच ये बड़ा घमासान दोनों टीमों के बीच में देखने को मिलेगा। पहला पावर प्ले जारी है, बंटी भुईर भी एंजॉय कर रहे हैं, विचुंबा टीम के बिग समर्थक जाने जाते हैं। ओवर द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा भीतर रखा, नतीजा यहां से खुट्टे के बल पर खेलने का प्रयास था टिप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन पूरी तरह से नाकाम भी आती हुई बल्लेबाज प्रदीप के बल्ले से डॉट गेंदों की समाप्ति। शुरुआत बहुत ही अच्छे करते ये गेंदबाज, लेकिन सेकंड ओवर का कोटा इस गेंदबाज को नहीं दिया जाता, बस एक ओवर इनसे की जाती है और ये ओवर पावर प्ले में। शॉर्ट ऑफ हैंड की गेंद, पुल किया गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और पहला छक्का बल्लेबाज प्रदीप के बल्ले से निकलता हुआ। आज ऋषि नाइक ओपन नहीं कर रहे टीम के लिए, बहुत ही कठोर निर्णय लेते हुए, क्योंकि भली बात ही जानती है लगातार टीम हार रही है, नतीजा यहां से कुछ ना कुछ अलग चेंजेस करने की कोशिश अब मैच इस वक्त करते हुए वोडाफोन वाल टीम के कप्तान ऋषि नाइक को मिडिल ऑर्डर में रखा गया है ताकि आने वाले 2 ओवरों में वो बड़ी से बड़े पारी खेल सके और जो टारगेट खड़ा करना चाहेंगे वो बना सके थे मैदान में। स्वीप करने की कोशिश प्रदीप मुंबई कर नाकामयाबी आई और इसी के साथ चलते बने पैवेलियन की ओर, छक्का जरूर दागा इन्होंने और जल्द से इस बड़े आक्रामक शॉट लगाने की कोशिश में आखिरकार चलते बने पैवेलियन की ओर। इस बार पहला विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ आक्रामक बल्लेबाज प्रदीप ने 6 रन के साथ अपना खाता खोला था और चलते बने, जैसे शेर की आंख जंगल हिला देती है वैसे इनकी एंट्री गेंदबाजों की दिमाग हिला देती है। ऋषि नाइक वन ऑफ द बेस्ट सिक्सर, टाइगर टेनिस क्रिकेट के एक खिलाड़ी है ये कि सबसे लंबे छक्के मारने की ताकत, इनके बाद कपिल पारवे है बहुत लंबे लंबे मारते हैं, लेकिन आपका नाम जितना बड़ा काम भी उतना बड़ा होना चाहिए क्योंकि जिम्मेदारियां ज्यादा आपके कंधों के ऊपर रहती है। माना कि किसी एक खिलाड़ी के ऊपर टीम निर्भर नहीं होनी चाहिए रोशन, लेकिन पूरे खिलाड़ियों का योगदान होना चाहिए, लेकिन किसी एक खिलाड़ी ऐसा होता है टीम का, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स जब आउट होते हैं तो 5 खिलाड़ी के बराबर उनकी बल्लेबाजी रहती है, वैसे ऋषि नाइक है ये आउट होते हैं तो लगभग 5 खिलाड़ी आउट होने के बराबर होते हैं, ये खिलाड़ी है ये पहचान इस ताकत की। लेकिन अविनाश पाटिल प्रैक्टिस इसी मैदान के ऊपर दोनों खिलाड़ी करते हैं, लेकिन क्या एक को मार गिरेगी या तो विकेट लेने की कोशिश दिखाएंगे ये भी बड़ा सवाल बन सकता है। दोनों भी एक दूसरे की कमियां भली बात ही जानते हैं, लेकिन एक को मैदान में रहना है या एक को इस मैदान से पार करना है देखना होगा। ये पटकी हुई गेंद थोड़ी सी स्लिप हुई थी, गेंद लेग स्पिन करना चाहते थे, टर्न करने की कोशिश हुई थी, लेकिन बीमर गेंद फेंकी यहां से और अंपायर सैंडी पालकर का 9 गेंद का करार आता हुआ, फ्रीट का मौका लाइसेंस यहां से खुला वो भी ऋषि नाइक के लिए। टीम का टोटल स्कोर है 7 रन इस समय 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, कप्तान प्रदीप आउट होकर मैदान से बाहर लौटे हैं। ओवर द विकेट अविनाश फिर से एक बार तैयार होते हुए, निश्चित तौर पर दबाव है, थोड़ा सा प्रेशर है, अंडर प्रेशर के साथ क्रिकेट खेली जा रही है और जिस तरीके से परेशानी हो रही है इन्हें, फील्डिंग शायद फील्डिंग डिपार्टमेंट चेंज करने की कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि फ्रीड की गेंद के ऊपर कोशिश हो रही थी इस वक्त कप्तान अविनाश की गेंदबाजी की। तो देखिए 7 रन टोटल स्कोर कार्ड पर लगते हुए फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर चलते हुए, फुल टॉस गेंद, गेंद को खेला लॉन्ग बॉल के ऊपर से, ये ऋषि नाइक की पहचान है और जिस तरीके से मौका मिला फ्रीट का और इस फ्रीट का फायदा लेते हुए गेंद को खेला सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, 13 रन टोटल स्कोर कार्ड पर लगते हुए 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। हमेशा आक्रामक इरादे से आते हैं मैदान में और बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने की हमेशा कोशिश करते हैं और ये छक्का मिला ऋषि नाइक के बल्ले से। ओवर द विकेट अविनाश फिर से एक बार फेंकने के लिए तैयार, बल्ले के बीचों बीच ऋषि नाइक ऑन फायर, पनवेल न्यू पनवेल सिटी इनके ऊपर बिल्कुल सुख करता कि टॉपर के ऊपर शानदार छक्का और आज श्रृंखला का आज के दिन का सबसे लंबा छक्का बल्लेबाज ऋषि नाइक के बल्ले से निकलता हुआ। घरेलू मैदान है, हमेशा इसी
इसी मैदान के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए उभरे हैं और निश्चित तौर पर विकेट कीपर है और यहां से अविनाश को टारगेट बना जा रहा है। पहले पावर प्ले के सत्र में दमदार बल्लेबाजी, रोकना अब मुश्किल हो रहा है विसुंबा 11 टीम के गेंदबाज अविनाश पाटिल को। इसी 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल 19 रन। गेंदबाजी की शुरुआत की थी डॉट गेंदों से, दूसरी गेंद के ऊपर आया छक्का, तीसरी गेंद के ऊपर मिला विकेट, चौथी गेंद के ऊपर नो, पांचवी गेंद छक्का, छठी गेंद छक्का, जो अतिरिक्त गेंद फेंकी थी एक्स्ट्रा नो की वो एक गेंद इन्हें डालनी होगी। लंबा ओवर ऑन हैट्रिक होंगे, छक्कों के हैट्रिक पर होंगे, थोड़ा सा प्रेशर है अविनाश पाटिल के गेंदबाजी पर। यह बढ़िया लाइन थी, छोटी शो शॉट थी लेकिन पुल करना चाहते थे इस वक्त मिड विकेट के ऊपर से। नतीजा डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका है और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद मैच टोटल रन संख्या बनी है 19 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अजीत बोईर थोड़ी सी बातें बता रहे कि गेंदे जहां से आपने ओवर पिच फेंकी थी, एक फुल टॉस पे का था, उसको अंजाम आपको मिला, ये लाइन आपको रखनी चाहिए थी, थोड़ी सोची समझी साजिश की गई थी लेकिन ऋषि नाइक ने उस साजिश को तोड़ने का काम किया। टोटल 19 रन पहले पावर प्ले में बने। अब गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक के सुल्तान यानी कि जगदीश भिंगारकर सबसे अनुभवी खिलाड़ी टीम के जाने जाते हैं और पहले बल्लेबाजी करते हुए वोडाफोन वर्ल्ड टीम भली भांति जानती है विसुंबा टीम। किंजल स्पोर्ट्स नवीन पनवेल तेजस मात्रे के द्वारा आयोजित गई टूर्नामेंट में सुपर 8 में हारी थी, तो निश्चित तौर पर यहां से भी प्रयास होगा कि इस मैच में भी इनका तगड़ा परफॉर्मेंस रहेगा तो कम से कम इस वक्त 60 का आंकड़ा छूने की ताकत दिखानी होगी। बैरोना स्पोर्ट क्लब विसुंबा जिस तरीके से ऋषि नाइक बल्लेबाजी करते हैं उसी अदाकारी एक्शन में हमेशा स्वप्निल कांबले बल्लेबाजी करते हैं। दोनों के बल्लेबाजी की समानता यही है कि कोई भी मैदान में ज्यादा देर तक रुकता नहीं, यदि रुकेंगे तो सोचो इनका अर्धशतक पूरा होता है। ये दोनों भी बल्लेबाजों की खासियत है लेकिन रुकना होगा, टीम ज्यादा हद तक निर्भर रहती है इन खिलाड़ियों के ऊपर और उस हिसाब से आप ऋषि को पहले सलामी के लिए लाए नहीं वन डाउन की भूमिका में मैदान में खेलते हुए। ओवर द विकेट फुल टॉस गेंद, फील्डर है गेंद के नीचे, नीलेश वाघमारे है गेंद के नीचे और इसी नीलेश जुवेकर गेंद के नीचे और इसी के साथ बल्लेबाज के पारे काउंट होता हुआ दूसरा बड़ा बिग विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ वोडाफोन वर्ल्ड टीम के आक्रामक बल्लेबाज आकाश गरत बगर खाता खोले मैदान से बाहर लौटे हैं। भली भांति अगर बल्लेबाजी की बात करेंगे तो प्रदीप मुंबई कर रहे एक छक्का दागा, उसके बाद ऋषि नाइक की बल्लेबाजी का विश्लेषण है, दो छक्के दागकर अब तक मैदान के अंदर सुरक्षित है क्योंकि इन्हें सुरक्षित रहना बहुत ही जरूरी है और ऐसे हालातों में विकेटों का सिलसिला एक तरफा जारी रहता हुआ दो विकेट मैदान से बाहर लौटे आकाश गरत प्रदीप मुंबईकर। अब उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आते हुए प्रवीण मुंबईकर चौथे क्रमांक के बल्लेबाज है। पहले ओवर में रन बने थे 19 और पहली गेंद फुल टॉस पे की थी, ऋषि नाइक को ये गेंद होती तो सीमा रेखा के बाहर रहती लेकिन मिस टाइम कभी कभी होता है, ज्यादा जोश पे बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक लगाने के कारण विकेट फेंकने के बहुत ही चांसेस रहते हैं और ये चांसेस फुल टॉस गेंद के ऊपर मिला गेंदबाज जगदीश भिंगारकर को। लोअर फुल टॉस बढ़िया लाइन थी, घुटने के बल पर खेलने का प्रयास, स्क्वायर लेग के रीजन में गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, बहुत ही बड़ी तेज दौड़ लगाई थी लेकिन आखिरकार स्वप्निल कांबले गेंद को नहीं रोक पाए। इसी 4 रनों के साथ ऋषि नाइक खेल रहे 16 के निजी स्कोर पर और टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया इस समय 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 23 रन, मजबूत स्थिति में है इस वक्त वोडाफोन वर्ल्ड टीम। ऋषि नाइक की बल्लेबाजी काफी आक्रामक हो रही है और सेकंड पावर प्ले की बात करेंगे तो 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रखे जाते हैं और ऐसे हालातों में स्वप्निल कांबले, नीलेश सुवेकर और अविनाश पाटिल ये 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर अब तक रखे गए इस वक्त इन बल्लेबाजों के लिए। ओवर द विकेट तैयार रहा और करने की कोशिश के हाथों से शॉट मिड ऑन के रीजन में, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था इस वक्त खिलाड़ी का, तब तक कोई भी रनों की गुंजाइश नहीं है और डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। पहली गेंद के ऊपर विकेट, दूसरी गेंद के ऊपर चौका, तीसरी गेंद डॉट, ऋषि नाइक के सामने उनके सामने भी कई सालों का तजुर्बा है जिनके पास, उस तजुर्बे के साथ गेंदबाजी करते हुए स्लोवर किया फिर से एक बार, ये रणनीति अपनानी चाहिए रोशन क्योंकि जब आप जितनी तेजी से गेंदे फेंकेंगे उतना तेजी से बल्ला घुमाने की ताकत इस बल्लेबाज में है और देखिए 2 गेंदे स्लोवर चेंज ऑफ पेस पे की और नतीजा ऋषि नाइक को बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने से विवश किया और निश्चित तौर पर यहां से 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 24 रन। सेकंड पावर प्ले का खेल अभी मैदान के अंदर जारी है, फिर भी ये ओवर विसुंबा टीम के लिए बढ़िया साबित होता हुआ पहले ओवर में 19 रनों की मार मिलने के बाद इस ओवर में उसकी नुकसान भरपाई करते हुए जगदीश भिंगारकर हमेशा 2 ओवर का कोटा फेंकते हैं लेकिन इस वक्त अविनाश ने पहले शुरुआती सलामी दी 19 रन ठोके लेकिन जगदीश भिंगारकर की गेंदबाजी ने थोड़ा सा विसुंबा टीम को रात की सांस दिलाई होगी क्योंकि एक को मार मिलती है तो दूसरे को कमबैक करना चाहिए और ये कमबैक करते हुए जगदीश भिंगारकर इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर।
प्रवीण मुंबईकर के लिए गेंद कट करने की कोशिश, छल के हाथों से खेला था, एक रन जरूर मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है, 25 रन टोटल स्कोर कार्ड पर लगते हुए दो विकेट के नुकसान के ऊपर बढ़िया क्रिकेट अब तक दिखाई है। इस वक्त गेंदबाज जगदीश फिंगर करने, लेकिन ऋषि नाइक का विकेट लेना इनके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जब निश्चित तौर पर रहेंगे जितनी देर तक मैदान में, तो आने वाले गेंदबाजों को सोचना पड़ता है कि इन्हें किस तरीके से गेंदे फेंके, ओवर पिच फेंके, फुल टॉस फेंके, गुड लेंथ स्पॉट पर पिक करें, ये हमेशा मार ही देते हैं और इस रवैये के साथ मैदान में खेलते हैं। स्लो बार, बढ़िया लाइन, सोच बढ़िया थी इस वक्त गेंदबाज की, लॉन्ग ऑफ के रीजन में गेंद जा रही है, सफल ओवर की समाप्ति, मात्र इस ओवर से रन आए 7, पहले ओवर में आए थे 19, दो ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 13.00 के औसत से 26 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर वोडाफोन वाल टीम। रोशन, जिस तरीके से बात करेंगे इस टूर्नामेंट की, सरपंच ट्रॉफी 2018 गावदेवी क्रिकेट स्पोर्ट्स क्लब आदि इनके माध्यम से ये श्रृंखला ऑर्गेनाइज की, जहां से 1,00,000 की पहले इनामी राशि होगी, दूसरी 50, तीसरी 25 और चौथी इनामी राशि होगी। निश्चित तौर पर 25 मैन ऑफ द सीरीज और रेफ्रिजरेटर फ्रीज दिया है निश्चित तौर पर आशुतोष सिल के, बाबा किंग इनके माध्यम से मैन ऑफ द सीरीज के लिए रेफ्रिजरेटर फ्रीज दिया गया है, और बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर और पहले नंबर से लेकर 4 नंबर की जो सबसे बड़ी ट्रॉफीज प्रदान की है वो सम्माननीय रूपेश पाटिल माजी सरपंच आदि इनके माध्यम से, और जो 32 टीमें हैं इस मैदान में, उन 32 टीमों को टी शर्ट का योगदान देने वाले माजी उप सरपंच विलास चल के इनके माध्यम से, और पूरी की पूरी जो गेंदे दिए इस्तेमाल किए इस टूर्नामेंट के लिए नीवे की, वो दिलीप भागवत साहब इनके ओर से बहुत ही बड़ा, और जो सरपंच है निश्चित तौर पर इनकी ओर से गरुडी साहब इनके ओर से 1,00,000 रुपए की नगद राशि इस टूर्नामेंट के लिए दी गई है। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बड़ा योगदान, बहुत ही बड़ी उपलब्धि इस टूर्नामेंट को मिलती हुई। दूसरा दिन है, शानदार सुहाना सफर चलता हुआ इस टूर्नामेंट का, स्वप्निल कामले जैसे रफ्तार से आए, उन्हें दिशा दी जो अविनाश पाटिल को लंबा छक्का धागा था, उसी दिशा में छक्का धागा स्वप्निल कामले को, पहली गेंद के ऊपर आसमान में तारे दिखाए और 6 रनों के लिए टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया 32 रनों के ऊपर, बगैर दो विकेट के नुकसान के ऊपर, दो विकेट सस्ते में गंवाने के बाद लग रहा था ऋषि नाइक अपने ऊपर दबाव लेंगे, और वैसे भी ऋषि नाइक जानते हैं विकेट गए तो भी मारूंगा, ना गए तो भी मारूंगा, यही बल्लेबाजी, लेकिन मिस टाइम जरूर हो चुका है फील्डर गेंद के नीचे, और ये देखिए क्या गलती कर बैठे करण सुरते, आपने जीवन दान किसे दिया, ऋषि नाइक को, जो गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में देर नहीं लगती है और अच्छे अच्छे गेंदबाजों का फॉर्म खराब करने में इस बल्लेबाज को देर नहीं लगती, उसी खिलाड़ी का कैच छोड़ा नहीं बल्कि मैच छोड़ने के बराबर जाना जाता है। सोचो ये सेकंड इनिंग जब चेसिंग होती वोडाफोन वाल को, तो बहुत ही कोसते इस खिलाड़ी को, खुशी की बात जब पहले बल्लेबाजी कर रहे जहां से मौका बन सकता था, तो देखते कितना फायदा लेते ये कैच छोड़ने के बाद। इस वक्त ऋषि नाइक 26 रन के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए, नया पारी, माउंटेन पारी शायद खेलेंगे इस मैदान में, यह भी बड़ा सवाल बन सकता है। स्वप्निल कामले दूर वाले छोर से तैयार होते हुए फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, टाइमिंग बहुत बढ़िया, लॉन्ग मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए, बहुत ही रनों की रफ्तार तेज पटरी से बढ़ रही है, 40 रन टोटल स्कोर कार्ड पर लगते हुए गेंद सीमा पर 6 रनों के लिए, 32 रनों के ऊपर बल्लेबाजी। करण सुरते ने जो कैच छोड़ा उसके साथ साथ ऋषि नाइक ने 2 रन चुराए, उसके बाद ये आया छक्का, 26 के भीतर कैच छूटा था, 24 के भीतर कैच छूटा था, और टोटल 8 रन बटोरे कैच छूटने के बाद, यानी कि फायदा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मिली थी इस खिलाड़ी को उसका फायदा आप लेते हुए इस मैदान में। विकेट की तलाश विचुंबा टीम को जरूर होगी, क्योंकि इनके अनुभवी खिलाड़ी विनोद भाऊ भुईर इस मैच में नहीं खेल पा रहे, नतीजा गेंदबाजों के लिए निश्चित तौर पर कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और ऐसे हालात में अविनाश को पहले ओवर में मार देने के बाद जगदीश फिंगर करने बहुत ही बढ़िया कमबैक किया था, स्वप्निल कामले ने भी जबरदस्त कमबैक किया था छक्का खाने के बाद, लेकिन जिस तरीके से 2 छक्के इन्हें धागे हैं उस छक्कों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है विचुंबा 11 टीम के लिए। शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद कवर्स के ऊपर से खेला सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए, रोशन पाटिल ऐसा लग रहा हाईलाइट चालू है मैदान में, ऋषि नाइक के बल्लेबाजी देखेंगे तो केवल 2 सिंगल है, 6664 डॉट सिंगल सिंगल 6.64, क्या कमाल की बल्लेबाजी चलती हुई, कोई भी ऐसी गेंद नहीं है जहां से 2 गेंदे उन्होंने केवल खेली है, मैच डॉट गेंदे खेली है, और टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 36 रन टोटल स्कोर कार्ड पर लगते हुए इस श्रृंखला का दूसरा अर्धशतक ठोकने की ताकत इस वक्त दिखाएंगे। और जिस तरीके से प्रदीप मुंबईकर ने कहा था कि लगातार ऋषि नाइक जब मैदान में खेलते हैं
तो एक दो छक्के दारते हैं, पहले सलामी बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो जल्द आउट होकर मैदान से बाहर लौटते हैं और नतीजा इन्हें वनडा उनकी भूमिका में रखा गया और जो खेल होना चाहिए था इनसे अपेक्षा वो इस मैदान के ऊपर होती हुई। याद है नीलेश स्पोर्ट्स कड़ू जावले के नीलेश कड़ू स्वर्गीय नीलेश कड़ू स्मृति जशक जावले के मैदान के ऊपर इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड देकर नवाजा गया था। लगातार दो मैचेस में दमदार बल्लेबाजी, दो अर्धशतकीय बल्लेबाजी करने का विक्रम इस बल्लेबाज के नाम पर है। स्वप्निल कामले के लिए ये गेंद, स्वप्निल कामले की गेंद लेग स्टंप छोड़ती हुई शायद थोड़ी सी पैड पर टकराई हुई अपील हुई थी लेकिन डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। मैच स्कोर अभी भी रुका हुआ 44 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर। स्वप्निल कामले की इस ओवर की आखिरी गेंद है, बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा करने की आशंका नजर हो रही है 44 रन। जिस तरीके से पिछले मैच में 56 का टारगेट रोडपाली टीम ने आसानी से चेस किया था तो विचुंबा टीम भी इस मैच में बने रहेगी। फुलटॉस गेंद उठाने का प्रयास फील्डर है, नो गेंद का करार आता हुआ बीमर के तौर पर फिर से एक बार यहां से मौका मिला। ऋषि नाइक का लक है शायद, हमेशा लक जब आपके साथ रहता है कुछ कोई भी नहीं उखाड़ पाता तो निश्चित तौर पर ऐसे लक फैक्टर ऋषि नाइक के दस्ताना में है। और रोशन पाटिल देखिए दो जीवन दान मिले इस खिलाड़ी को और इसे एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 46 रन। जब कैच छूटा तब कोई मौका नहीं था नो गेंद का, लेकिन जब कैच मिला तो ये देखिए नो गेंद का चांस मिला, रिस्क मिला लेकिन यहां से उसके साथ साथ जीवन दान भी मिला इस वक्त ऋषि नाइक को। राइट ओवर द विकेट स्वप्निल कामले फिर से एक बार तैयार, बहुत ही अच्छी गेंद गुड लेग स्पॉट पर पिक किया था, डॉट गेंदों की समाप्ति हो चुकी है और यहां से तीन ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल रन संख्या बनी है दो विकेट के नुकसान के ऊपर 46 रन। रोशन ड्रिंक सॉली मैदान में आ चुके हैं। रोशन जिस तरीके से बात करेंगे पहले तीन ओवर में 46 रन बनाए जरूर इनके टीम ने, लेकिन जब तक जहां बात है कि 70 रन बनाने का आंकड़ा छूना चाहेगी वोडाफोन वर्ल्ड टीम, लेकिन 12 की जगह 70 रन बना पाती है तो विचुंबा टीम की बल्लेबाजी भी आना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इनकी जब बल्लेबाजी आएगी तो इनके बल्लेबाज भी काफी अच्छा बोलबाला करेंगे इसमें कतई संदेह नहीं है। लेकिन जितने कम रनों में रोकना होगा वो कम रन रोकना चाहिए इस वक्त वोडाफोन वर्ल्ड टीम के बल्लेबाजों की ओर से और विचुंबा टीम के गेंदबाजों की ओर से। जितने कम रन बनेंगे उतने मैच में बने रहेंगे लेकिन जितने ज्यादा रन बनेंगे उतना ही पहले पावर प्ले के साथ साथ पांचवें ओवर तक आपको बड़े से बड़े प्रहार कर सकते हैं। विकेट बहुत ही बढ़िया है, कल के दिन की बात करेंगे तो रोशन गेंदबाजों को साथ मिली, आज के दिन की बात करेंगे तो पहले मैच में 77 रन बने थे, दूसरे मुकाबले में थोड़ा सा लो स्कोर देखने को मिला, फिर तीसरे मैच में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हुई, फिर चौथे मैच में अप एंड डाउन सा है, ये चढ़ा उतार यानी कि विकेट मनोज पाटिल जिस तरीके से कहते हैं विकेट हमेशा नखरे दिखाती है गिरगिट की तरह रंग बदलती है, प्रेशर कुकर की सिटी कभी गेंदबाजों के ऊपर कभी बल्लेबाजों के ऊपर यानी कि यहां से कभी उलट फेर होता है तो ये उलट फेर आज के दिन में हमें नजर आता हुआ। तीन ओवर समाप्त, टोटल स्कोर कार्ड पर 46 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर। ऋषि नाइक व्यक्तिगत खेल रहे इस वक्त 13 गेंदे 37 रनों की नायाब पारी और उनका साथ देने वाले बल्लेबाज है प्रवीण मुंबईकर, दो गेंदों का सामना किया केवल एक रन का योगदान देते हुए अपने टीम के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन फिर से एक बार, जगदीश भिंगारकर आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। दूसरा ओवर बहुत ही जबरदस्त फेंका इन्होंने लेकिन ये ओवर किस तरीके से फेंकेंगे यह भी बड़ा सवाल बन सकता है। सेट है मैदान के अंदर, निगाहें जिनकी पूरी तरह से सेट हो चुकी है, क्या इस बल्लेबाज को रोकने में क्या कामयाब हो पाएंगे, बल्लेबाज को रोकने में कामयाब होंगे। फिर से एक बार स्लोवर किया था इस गेंद को, हल्के हाथों से स्टेयर किया, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया तेज, जहां मौका मिला दो रन चुराने का आसानी के साथ यहां से दो रन चुरा लिया। और ऋषि नाइक की बल्लेबाजी की बात करेंगे, लगभग ऐसा तय है कि अपना अर्धशतक पूरा करने की कोशिश में इस मैदान में बल्लेबाजी करते हुए 39 रन खुद व्यक्तिगत बल्लेबाजी और टोटल रन संख्या बनी है 48 रन, दो रन से 50 रन से मुकम्मल होने के लिए दो रन से दूर है इस वक्त वोडाफोन वर्ल्ड टीम। ओवर द विकेट रिवर्स का अटेम्प्ट करने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, रन आउट का चांस बन सकता है और इसी के साथ प्रवीण मुंबईकर के पारी काउंट होता हुआ तीसरा सदमा मिलता हुआ वोडाफोन वर्ल्ड टीम को। रोशन ये गलती होती है कभी कभी रिवर्स का अटेम्प्ट करते हैं और हमेशा कहते हैं जब मुकाबला आपका महफूज होता है तब आप रिवर्स का अटेम्प्ट करें कि पिछले मैच में कृष्णा पाटिल ने एक छक्का और चौका दागने के बाद रिवर्स का अटेम्प्ट किया था और क्लीन बॉल डंडी गुल कर दी थी गेंदबाज ने तो वहां से मुकाबला आखिरी गेंद तक चला वागेलवाड़ा टीम के खिलाफ। तो इस मैच में भी वही अटेम्प्ट किया था बल्लेबाज ऋषि नाइक ने और नतीजा यहां से रनआउट का शिकार मिला प्रवीण मुंबईकर के पारी काउंट होता हुआ।
तो नए बल्लेबाज आदिर भगत आ चुके हैं। सुबह 6:30 बजे इनके एंट्री होती है राजीव गांधी मैदान में प्रैक्टिस करने के लिए। कितना क्रेज है क्रिकेट का। और ऋषि नाइक तो उनसे भी बहुत ही बढ़िया जल्दी आते हैं, आउट होने के बाद भी डबल डबल बल्लेबाजी करते हैं और इसका फायदा इस मैदान में उन्हें मिलता हुआ क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टोटल टीम का स्कोर पहुंचा दिया इस समय 48 रनों के ऊपर। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक्सप्रेस हाईवे इनकी ओर से गेंदबाजी करेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया गेंद अपील हुई थी, अंपायर सैंडी पालकर का तुरंत इशारा आता हुआ कि ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद सीधा फील्डर के दस्तानों में मैच डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए। ये चुभ रहा है इस वक्त ऋषि नाइक को, मौका नहीं दे पा रहे बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने का, पूरी तरह से अंकुश लगाया। नियंत्रित गेंदबाजी किसे कहते हैं ये बेहतर जिंदा जगदीश भिंगारकर से सीखे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी प्रभावित किया आज इनकी गेंदबाजी ने, जहां से पहले गेंदबाज को मार मिलने के बाद क्या कमाल की वापसी होती हुई। शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद हवा में है, फील्डर अविनाश गेंद के नीचे। आज तो शायद ऐसा ही स्थान लिया है विचुंबा टीम के खिलाड़ियों ने, जो इनकी कैच लेने की एक्शन है वो कुछ अलग अंदाज से नजर आती हुई। और यहां से वोडाफोन वाल 11 टीम के 50 रन मुकम्मल होते हुए 3 विकेट के नुकसान के ऊपर ऋषि नाइक की बल्लेबाजी का विश्लेषण है। 16 गेंदों में 41 रनों की शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोशन पाटिल क्या हो गया विचुंबा टीम के खिलाड़ियों को, क्या सोचेंगे जब यहां से ऋषि नाइक का कैच आएंगे सीधा छोड़ देंगे। बस यही ठान लिया है और वही ठान के थानने के साथ ऋषि नाइक खुलकर मैदान में बल्लेबाजी करते हुए क्या करे गेंदबाजी, आखिर करे भी तो क्या करे। बहुत ही बढ़िया चालाकी दिखाई, बहुत ही सोच समझ कर ये गेंद फेंकी थी। बहुत ही बढ़िया ओवर अब तक घटता हुआ विचुंबा 11 टीम के गेंदबाजों की ओर से। जगदीश भिंगारकर ने पहले पावर प्ले में सेकंड पावर प्ले में रन दिए थे 7 रन, एक सफलता इनके नाम पर। और इस ओवर की बात करेंगे 5 रन देकर एक गेंद अभी भी बची है, 5 रन अभी तक खर्च किए इन्होंने, 5 रन खर्च किए। क्या कमाल की गेंदबाजी चलती हुई, इससे बढ़िया अजीत भी बहुत खुश होंगे क्योंकि जिस तरीके से स्वप्निल कांबले को अविनाश पाटिल को मार मिलने के बाद इन्होंने अपनी टीम को शानदार बेहतर कमबैक करते हुए टोटल रन संख्या बनी है 51 रन, लग रहा था 70 रन बनेंगे लेकिन पूरी तरह से बांध कर रखा जगदीश भिंगारकर ने। उठाने का प्रयास मिड विकेट के क्षेत्र में स्वप्निल कांबले, गेंद से पास से दूर होते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल रन संख्या बनी है 55 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 55 रन टोटल स्कोर कार्ड पर लगते हुए ऋषि नाइक खेल रहे हैं। इस व्यक्तिगत 4 छक्कों की मदद से 17 गेंदों का सामना किया और 42 रनों के ऊपर शानदार योगदान देते हुए जहां से इनका कैच छूटा था 24 रनों के ऊपर वहां से ऋषि नाइक ने एक छक्का और एक चौका धागा। और जहां से जिस तरीके से बात करेंगे अपने अर्धशतक के लिए 8 रन से दूर है, क्या इस श्रृंखला का दूसरा अर्धशतक ठोक पाएंगे। जिंदगी एक रास्ता है, मस्ती में चलते रहो, चढ़ाव उतार तो आते रहेंगे, आप सिर्फ अपना गियर बदलते रहो। ये गियर बदलने का काम करना होगा तो निश्चित तौर पर इस वक्त इस मैच में बहुत ही बढ़िया वापसी करते हुए जगदीश भिंगारकर ने सही लाइन से गेंदें फेंकी और पूरी तरह से वापसी करते हुए। विचुंबा टीम के 12वें खिलाड़ी हमारे कॉमेंट्री कक्ष में मौजूद है, शायद उन्होंने आज राय दी थी स्वप्निल कांबले के जगह देवराम भोईराज खेलने वाले हैं लेकिन निश्चित तौर पर थोड़े से अनफिट है और इस मैच में नहीं खेल पा रहे और नतीजा स्वप्निल कांबले बहुत ही बड़े ताकतवर खिलाड़ी की फिर से एक बार वापसी होती हुई जानकारी मिली थी देवराम के हमारे अल्फाजो से। निश्चित तौर पर स्वागत है देवराम। रोहित सुरते को गेंदबाजी के लिए लाया गया है, ऑन स्ट्राइक ऋषि नाइक। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर फेंकी थी, व्हाइट गेंद का करर आता अंपायर का, व्हाइट के साथ 1 रन एक्स्ट्रा मिली, 56 रन टोटल स्कोर कार्ड पर लगते हुए आखिर की 6 गेंदें बची है, इन 6 गेंदों के ऊपर कितने रन पाते हैं टोटल। जगदीश भिंगारकर की गेंदबाजी का विश्लेषण है, केवल 16 रन दिए, एक सफलता इनके नाम पर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की अपने टीम के लिए। जहां से शाम का वक्त है और कि शाम के वक्त में जब ज्यादा रन बनेंगे तो चेसिंग करते वक्त विचुंबा टीम को पिछले सप्ताह की श्रृंखला में बहुत ही परेशानी हुई थी। शायद इस वक्त कभी कभी फैसला लेते हैं कप्तान बल्लेबाजी करते हैं, कभी फील्डिंग करने का फैसला लेते, लेकिन इस बार फील्डिंग करने का फैसला चुना और जितना
असरदार साबित होता है ऋषि नाइक के बल्ले से, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दैट्स अ गॉन माइटी, इट्स अ फ्लाइटी, सिक्स रन आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए, 48 रनों के ऊपर बल्लेबाजी हो रही है, रन संख्या बनी है 62, मैच 2 रन से दूर है अपने अर्धशतक से, और जिस होम ग्राउंड पर हमेशा प्रैक्टिस करते हैं उसी होम ग्राउंड पर अपना दबदबा कायम रखते हुए इस वक्त नामचीन बल्लेबाज ऋषि नाइक ऑन अ फायर। स्वप्निल कामले को सोचना पड़ रहा है कि अब गेंदे फेंके तो किस तरीके से फेंके, 2 सुवर्ण मौके मिले थे जो कैचेस छूटे, लेकिन जिस नो गेंद के ऊपर कैच पकड़ा गया तब किस्मत फूटी थी विचुंबा टीम की गेंदबाजों की। आने वाले नाइट प्रतियोगिता में विचुंबा बनाम मीर मयूर स्पोर्ट्स कुंडेवाल का मुकाबला कांबड़े के मैदान में देखने को मिलेगा। फुल टॉस गेंद, कारपेट के आधार पर गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें ऋषि नाइक, बल्ला ऊपर कर अभिवादन करें हमारे दर्शकों को, बहुत ही बढ़िया पारी, 50 रन की नायाब पारी के लिए अपने टीम के लिए, व्हाट अ ग्रेट इनिंग, व्हाट अ ग्रेट मूवमेंट, क्या समय, क्या लम्हा है इस वक्त ऋषि नाइक के लिए, बल्ला उठाकर अभिवादन कर रहे हैं, और दर्शकों को घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से दर्शक बैठे हैं उनको भी बल्ला उठाकर अभिवादन कर रहे हैं, क्या गजब की बल्लेबाजी, टोटल रन संख्या बनी है इस समय 66 रनों के ऊपर, और ऋषि नाइक की बल्लेबाजी का विश्लेषण है, 19 गेंदों का सामना किया और 52 रनों की नायाब पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए। रोहित सुरते इस वक्त इन्होंने 3 गेंदें फेंकी है जहां से 1 गेंद वाइड मिली है, 1 गेंद दूसरी गेंद के ऊपर छक्का, तीसरी गेंद के ऊपर चौका, अभी भी मैच 4 गेंदें फेंकनी होगी, क्या ऋषि नाइक फिर से एक बार वही बोलबाला कर पाएंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट ध्रुव वाली छोर से फेंकने के लिए तैयार रहा। ये लीजिए, ये तो बहुत ही बड़ा स्ट्रोक है, लॉन्ग मिड विकेट के ऊपर से सीधा कमेंट्री कक्ष और डगआउट में आता हुआ शानदार छक्का बल्लेबाज ऋषि नाइक के बल्ले से। रोशन पाटिल ये जो ऐसे खिलाड़ी है, इन्हें पुरानी गेंद तो भी उतना लंबा मारते हैं और नई गेंद वो भी इतना लंबा मारने की ताकत इस खिलाड़ी में। पिंटू पाचा को पूछा गया था एक इंटरव्यू में, जब गेंद गुम होती है, जब यहाँ से ग्रामीण विभाग में हमें खेलने आते हैं तो गुम गेंद होती है तो तुरंत नई गेंद का इस्तेमाल किया जाए तो फर्क क्या रहता है, चाहे नई गेंद हो या पुरानी गेंद हो, बस उतना ही लंबा मार रहा है, ये इनकी पहचान है। वैसे ऋषि नाइक इस मैदान में खेलते हुए, लेकिन जो गलती हुई है विचुंबा टीम के खिलाड़ियों से, वो गलती का भुगतान इस वक्त कर रही है, केवल 40 या 50 बना पाती इस वक्त वाल 11 टीम, जब वो कैच लेते करण सुरते तो मैच में बने रही थी विचुंबा 11 टीम। इसका मतलब यह नहीं कि विचुंबा टीम इस मुकाबले को हारी है, उनकी भी बल्लेबाजी आना बाकी है, वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। ओवर द विकेट इनसाइड एज, आखिरकार जाते जाते ऋषि नाइक का विकेट मिला रोहित सुरते को, और वो भी मिला जो आज के दिन में सबसे प्रभावित किया गेंदबाजी में, जगदीश भिंगार करके दस्तानों में गेंद जाती हुई। टीम का टोटल स्कोर है 72 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर, जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें कमाल की पारी के लिए अपने टीम के लिए ऋषि नाइक ने, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, सुपर परफॉर्मेंस बल्लेबाजी देते हुए अपने टीम के लिए, 21 गेंदों का सामना किया और 58 रनों की नायाब माउंटेन इनिंग समाप्त होती हुई इस वक्त पैवेलियन की ओर बल्लेबाज आते हुए। विजेंद्र खरत, जिस तरीके से बात की गई थी, सुबह सुबह 6:30 बजे प्रैक्टिस के लिए आते आदिर भगत, और आते ही चौका ठोका इन्होंने और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन पेश करते हुए 72 रन, शायद 2 गेंदें बची हुई है और 2 गेंदों के हाईएस्ट टोटल के लिए निश्चित तौर पर 5 रन से दूर है, जो इस श्रृंखला का सर्वोच्चतम स्कोर बनाने की ताकत इस मैदान में वोडाफोन वाल 11 टीम दिखा सकती है। इनसाइड एज जरूर लगा था जगदीश भिंगारकर गेंद के नीचे, कोई यहां से हिट करने का प्रयास नहीं था, जहां से ओवरथ्रो के कारण अतिरिक्त रन मिलेंगे, 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 73 रन, पहले पूर्वार्ध की आखिरी गेंद बची है। रोशन ऐसे हालत में बात करेंगे तो निश्चित तौर पर बड़ा बड़ा स्ट्रोक आएगा इस आखिरी गेंद के ऊपर, लेकिन जो रन होने चाहिए थे वो वोडाफोन वाल टीम ने आखिरकार दिखा, एकमात्र ऋषि नाइक की 58 रन की दमदार बल्लेबाजी विचुंबा टीम के गेंदबाजों के सामने तूफान बनकर खड़ी थी, वो माउंटेनियरी अब तक मैदान से समाप्त होती थी। आखिरी गेंद पहले पूर्वार्ध की, और यहां से देखिए हम पर सैंडी पाल का इशारा करते हुए 1 बाउंस, लेकिन तब तक यहां से ओवर समाप्त हो चुका है, और इसी के साथ 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद वोडाफोन वाल 11 टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया 73 रन, जीतने के लिए 30 गेंदे और 74 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी के नजर पर डालेंगे तो पहले ओवर में अविनाश पाटिल ने 19 रन दिए थे, दूसरे ओवर में जगदीश भिंगारकर ने 7 रन, तीसरे ओवर में स्वप्निल कामले ने, महज 3 रन, कोई सफलता नहीं है।
20 रन दिए स्वप्निल कांबले ने और जगदीश भंगारकर के चौथे ओवर में मिले 9 रन। और इस ओवर की बात करेंगे तो मैच 18 रन आए, टोटल स्कोर कार्ड पर रन संख्या बनी 73 रन, 74 रनों का टारगेट, 21 गेंदों का सामना किया, 58 रनों की शानदार पारी अपने टीम के लिए। ये इन 74 रनों का टारगेट किस तरीके से चेस कर पाएगी, क्या इस मैच में विचुंबा टीम बने रहेगी या वोडाफोन वाल टीम ऋषि नाइक के दमदार बल्लेबाजी के आधार पर इस मैच में पावरफुल स्थिति में है, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे इस 5 ओवर के लिए हमारे जबरदस्त शिवभक्त कमेंटेटर रोशन पाटिल के पास। थँक्स प्रवीण जी, काय कर नाईस कॉमेंट रे। जाऊया पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या या रंगमंचावरती, सामना निश्चितच पाहू शकाल। भैरवनाथ विसुंबे विपक्ष ओडापण वहाल या दोन संघांच्या दरम्यान चांगला खेळ प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी एन्जॉय करतोय। काही प्रेक्षक वर्ग प्राप्ती डिजिटल लाईव्हच्या माध्यमातून युट्यूबच्या माध्यमातून सामना एन्जॉय करतोय। गावदेवी क्रिकेट संघ आधी आयोजित सरपंच चषकाचा हा सुपर मंच, एक चांगली लढत प्रेक्षक वर्ग एन्जॉय करतायत। स्वर्गीय दिवंगत अखंड हिंदुस्थानाचे पंतप्रधान राजीव गांधी क्रीडा नगरी न्यू पनवेल आदई क्रिकेटची द्वारका माई जिंकण्यासाठी यावेळी 74 धावांची गरज आहे ती भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट संघाला। 526 या धावसंख्येवरती ऋषी नाईकचा झेल सोडला, त्यानंतर ऋषी नाईकचा पूर्णपणे वार पाहिलं, कमाल धमाल मालामाल फलंदाजी, 21 चेंडू मध्ये 58 धावांची उपयुक्त आणि दर्जेदार खेळी। ओडाफोन वाल क्रिकेट संघाचा सुपरस्टार खेळाडू ऋषी नाईकच्या बॅट मधून पाहिली आहे। पहिलं अर्धशतक पाहिलं आपण, परेश कडके 17 चेंडू 54 धावा पाहिल्या, आणि त्यानंतर ऋषी नाईक तब्बल 21 चेंडू आणि 58 धावा। काल प्रवीण दादा गायकरचा विचार केला, पहिल्या दिवसामध्ये आपण गोलंदाजांचं वारं पाहिलं, मात्र आज पूर्णपणे पिस काढली जात आहेत गोलंदाजांची आणि फलंदाजांचं वारं पूर्णपणे घुमताना पाहतोय। गेम ऑन गेम स्टार्ट एकात्मतेचा संदेश देताना उडापूर्ण वाल क्रिकेट संघाची युनिटी इथे मात्र पांगवा पांगा होताना पाहू शकाल, कारण एकात्मतेने खेळण्यासाठी हे दोन संघ इथे मात्र आमने सामने खेळताना पाहू शकाल। फलंदाजीच्या माध्यमातून भैरवनाथ विचुंबे पाहू शकाल, तर गोलंदाजीच्या माध्यमातून उडाफोन वाल क्रिकेट संघाला पाहतोय। क्रिकेटला पूर्णपणे सुगीचे दिवस आलेले पाहू शकाल। महाराष्ट्राच्या इतिहासात एकच टेनिस क्रिकेटची लाट कोटी कोटी हृदयांवरती अधिराज्य गाजवतोय, टेनिस क्रिकेटचा हा थाट, तो थाट पाहण्यासाठी अनेक प्रेक्षक वर्ग या राजीव गांधी क्रीडा नगरीमध्ये दाखल झालाय। त्या सर्वांचं मी रोशन पाटील शिरवली सहर्ष 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 स्वागत करतोय। इथे मात्र स्वागत करण्यासाठी गोलंदाजांचं पहिली आघाडीची जोडी स्वप्नील कांबले नॉन स्ट्राइकला आशिष भोईर, ही आपण पहिली आघाडीची जोडी पाहतोय। तो गोलंदाजीच्या माध्यमातून प्रतीक पाटील ओडापोन वाल क्रिकेट संघाचा प्रथमता गोलंदाज ऋषी नाईक या कर्णधाराच्या माध्यमातून वापरताना प्रतीक पाटीलला। तर चला खेळाला सुरुवात करा, पंचांचा हिरवा कंदील येतोय, गेम ऑन गेम स्टार्ट, गोलंदाज सज्ज प्रतीक पाटील ओडापोन वाल। पहिला चेंडू लाईन आणि लेंथ भरकटताना प्रतीक पाटीलला पाहिलं, अकाउंट खोलले जात आहे धावसंख्येचं, एक धाव धाव फलकावरती लागली जातीये, 74 धावांची गरज आहे यावेळी भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट संघाला। अमोल काळे यांच्या माध्यमातून स्कोरची भूमिका बजावली जातीये, त्यांच्या कार्याला सलाम। आज कॉमेंट डिपार्टमेंट प्रवीण गायकर वाकडी, संदेश शेळके आदई, मी रोशन पाटील शिरवले।
या बेली अक्रॉस लाइन खेळण्याचा प्रयत्न फाइन लेग क्षेत्र निवडलं होतं, मात्र बॅट आणि चेंडूची नाळ जोडली नाहीये, याचंच कारण की काय निर्धाव चेंडूची इथे मात्र सांगता केली जातीये। एक चेंडू एक धाव हे समीकरण झाले वैरवनाथ विसुंबे क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून। या वेळी पूर्णपणे क्षेत्ररक्षणाची सजावट केली जातीये। मागच्या काही दिवसांपूर्वी पाहिल्या पावसाच्या जोरदार आणि हलक्या सरी त्या संपताच या स्पर्धेची आतुरता होती प्रत्येकाच्या उरी, पूर्णपणे क्रिकेटमय झाली आहे ही आदई नगरी। पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दोन चेंडू निर्धाव टाकताना गोलंदाज प्रतीक पाटील, प्रतीक पाटीलचा चांगला सिद्धांत यावेळी पास होतोय ओडापण वाल संघाच्या वतीनं, कारण पहिल्या पिवांच्या षटकामध्ये जेवढ्या धावा कमी येतील तेवढं मात्र वाल क्रिकेट संघासाठी पाण्याजोग असेल। माझं पहिल्या षटकापासून धावसंख्येचं अग्नितांडव माजावं लागेल भैरवनाथ विसुंबे क्रिकेट संघाला। इथे मात्र थोडासा व्यत्यय येतोय, धावसंख्येला स्थगिती, फक्त एक धाव धावफल कधी लागली जातीये ती सुद्धा वाईटच्या स्वरूपानं इथे मात्र दान केली जातीये ओडापण वाल क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून भैरवनाथ विसुंबे क्रिकेट संघाला। दोन चेंडू निश्चितच निर्धाव टाकले जात आहेत एका वाईटच्या रूपानं एक धाव धाव फलकावरती लागताना। त्यानंतरचा चेंडू फलंदाजापासून थोडासा दूरवरचा प्रवास, चांगल्या लाईन आणि लेंथ न गोलंदाजी करताना प्रतीक पाटीलला पाहतोय आणि लगातार तीन चेंडू निर्धाव टाकताना आपण प्रतीक पाटीलला पाहिलंय। पहिल्या सामन्यामध्ये चेतन पाटीलनं रेकॉर्ड प्रस्थापित केला होता लगातार पाच चेंडू, अंश इलेव्हन कानपोळी क्रिकेट संघाचा चेतनापूर्ण खेळ करणारा चेतन पाटीलनं लगातार या स्पर्धेमध्ये पाच चेंडू निर्धाव टाकले होते। इथे मात्र पुन्हा एकदा प्रतीक पाटील सज्ज होतोय, प्रतीक पाटील ने इथे मात्र पूर्णपणे आग ओकली जातीये स्वप्न पूर्ती करण्यासाठी आलेल्या भैरवनाथ विसुंबे संघाचा आघाडीचा फलंदाज स्वप्नील कांबळेला मात्र तंबूच्या दिशेने पाठवलं जात आहे प्रतीक पाटीलच्या माध्यमातून। चांगली गोलंदाजी, कमाल धमाल मालामाल गोलंदाजी दाखवताना प्रतीक पाटीलला पाहतोय। चांगला खेळ क्रिकेटचा, देदीप्यमान सोला याची देई याची डोला, प्रेक्षक वर्ग इथे मात्र पूर्णपणे एन्जॉय करतोय। तीच लढत विसुंबे विपक्ष वाल या दोन संघांच्या दरम्यान। विजय जरी शौर्याचा अलंकार असला तरी मात्र तुमचं शौर्य एका पराभवाने कमी होत नाहीये, तसेच त्या पराभवामुळे तुमची गुणवत्ता कमी होत नाहीये। अर्थातच सांगायचं झालं तर प्रत्येक खेळात जय पराजय हे आपल्या पदरी पडत असतं, त्यामधून त्यातून खचून जाणं नसतं तर लढायचं असतं, तोच लढवय्या खेळ मात्र दाखवणं गरजेचं असेल भैरवनाथ विसुंबे क्रिकेट संघाला, कारण फलंदाजीच्या माध्यमातून चांगला खेळ करावा लागेल। गोलंदाजांना चोप पडला, फलंदाजीच्या माध्यमातून काटा काढणं तितकंच गरजेचं असणार आहे। गुडलाईन स्पॉट वरती चेंडू आदळला, उसळी घेतली थेट ऋषी नायकच्या हातामध्ये, चेंडू विसावला जातोय, फक्त एकच धाव ती सुद्धा व्हाईटच्या स्वरूपानं आली आहे ती भैरवनाथ विसुंबे क्रिकेट संघाला, ती दान केली गेली कारण ओडापण वाल क्रिकेट संघाचा पहिला गोलंदाज प्रतीक पाटीलच्या माध्यमातून चेंडूंचा विचार केला। पाच रत्न टाकली गेली प्रतीक पाटीलनं, पाच चेंडू चांगल्या सुखकर प्रवास केला प्रतीक पाटीलनं। या वेळी पूर्णपणे बांधून ठेवलंय, या वेळी व्हाईट सोडला तर जोरदार आल्या, लगातार सात चेंडू निर्धाव, रेकॉर्ड रेकॉर्ड फक्त रेकॉर्ड प्रस्थापित करतो यावेळी ओडापण वाल क्रिकेट संघ। चमकदार कामगिरी का असते याचं पूर्णपणे प्रात्यक्षिक दाखवतोय प्रतीक पाटील। पहिल्या सत्रामध्ये आपण ऋषी नाईकला पाहिलं, 21 चेंडू मध्ये 58 धावांची अतिशय दर्जेदार खेळी, म्हणजे कुठेतरी पूर्णपणे प्रयत्नांची पराकाष्ठा आणि नशिबाच्या जोरावरती पूर्णपणे अधिराज्य गाजवताना यावेळी ओडापण वाल क्रिकेट संघाला पाहू शकाल। एक गडीबाद एक धावसंख्या भैरवनाथ विसुंबे क्रिकेट संघाची, हुकूमत कोण गाजवेल क्रिकेटच्या या रंगमंचावरती हे पाहणं सुद्धा तितकंच गरजेचं असतं। हुकूमत जो गाजवतो
ज्याचं मनोमनामध्ये राज्य असतं, नाहीतर गल्लीत फिरणाऱ्या कोंबड्यांच्या शिरावरती सुद्धा मित्रांनो ताज असतात. मात्र या सामन्या दरम्यान विजयाचा ताज कोणाच्या शिरावरती विसावला जाईल हे पाहणं सुद्धा गरजेचं असेल. तर 74 धावांची गरज असताना फक्त एकच धाव लागली जातीये, म्हणजेच येणारे 24 चेंडू जिंकण्यासाठी 73 धावांची गरज. अतिशय चांगला खेळ दाखवताना उडापून वाल क्रिकेट संघाला पाहतोय, पूर्णपणे बेहाल करतोय. भैरवनाथ विचुंबे संघाला मात्र क्षमता आहे, कुवत आहे विचुंबे संघामध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत लढा देण्याचा. तोच लढा पाहू शकाल चेंडू फरार, चेंडू सीमापार, दणदणीत चौकार. गोलंदाज पाहतोय आपण, आदिल भगत पिंट्या म्हणून ज्याला ओळखले जात टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये, त्या गोलंदाजाच्या पहिल्या चेंडूवरती आपण दणदणीत चौकार पाहिला. फलंदाज पाहतोय आशिष बोईर, ज्यानं आलेला प्रहार केला आपला परिचय दाखवताना फलंदाजीच्या माध्यमातून. हेच करणं गरजेचं असेल, कारण जिंकण्याची क्षमता इतकी वाढवा की आपल्याला पराभूत करण्यासाठी प्रयत्न नाही तर कट रचायला हवा. तो कट रचावा लागेल फलंदाजी करणाऱ्या विचुंबे संघाला. यावेळी पुन्हा एकदा जोराचा प्रहार, जसं सुई मधून धागा रोवावा ना तशा पद्धतीनं गॅप मधून चेंडू रोवला जातोय. चेंडू बॅक टू बॅक, चौके पे चौका, चौके पे चौका, लगातार दोन चौकार खेचतोय फलंदाज आशिष भोईर. एक चांगलं वार करताना फलंदाजीच्या माध्यमातून येणारे चेंडू असतील 22 जिंकण्यासाठी 65 धावांची अद्याप पर्यंत गरज असेल. दिल्ली अजून पर्यंत दूर, मात्र हवाई हल्ला चढवावा लागणार आहे तो विचुंबे संघाला. तो मात्र चढवताना आशिष भोईरला पाहतोय, धाव संख्या आकार घेणार. दुहेरी धावसंख्येमध्ये पडाव करताना आपण भैरवनाथ विचुंबे संघाला पाहतोय. दहा धावा, धावफलकळती लागल्यास जात आहेत. चांगली पंचांची भूमिका पाहू शकाल, एका बाजूस सांडी पालकर, दुसरे आमचे पंच दिनेश शेळके यांच्या माध्यमातून न्यायमूर्तीची भूमिका काय असते याचं जीत जागता उदाहरण पाहू शकाल. पंचांची भूमिका म्हटली तर खूप दबाव असतो, त्या दबाव तंत्राच्या मनगटीवरती पाय देऊन चांगली पंचांची भूमिका या दोन पंचांच्या माध्यमातून. यावेळी सुरेख फटका फलंदाज, मात्र यावेळी क्षेत्ररक्षक चुकला जातोय. फलंदाज होता जिंकण्यासाठी जिद्दीने खेळताना आपण अजित भोईर, भोईर बंधूंची जोडी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाची आपण फळी पाहतोय. त्यांच्या माध्यमातून आग ओकणं अतिशय गरजेचं असेल. करो या मरो, जिंकायचं असेल तर अधिराज गाजवावं लागेल फलंदाजीच्या माध्यमातून. 12 धावा धाव पुस्तकावरती जमा. त्यानंतरचा चेंडू जॉकर से बार, विरुद्ध पिशिकार, शिकंजा घसला जातोय, ब्रह्मास्त्र फेकले जात आहेत वारंवार. अधिपिंट्या भगतच्या माध्यमातून निर्धाव चेंडूची सांगता, क्या बात आहे, चक्र राहून सोडणारी गोलंदाजी. आधी इथे मात्र अधिराज गाजवतोय गोलंदाजीच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा सज्ज राईट आउट द विकेट. यावेळी बॅक साईडला चपल होतोय, एकदा पूर्ण केली जातीय दुसऱ्या दावेचा प्रयत्न. चपलाईनं पूर्ण करताना हे दोन फलंदाज दोन दाबेनं धावसंख्या आकार घेणार संघ जाऊन पोहोचलाय 14 या धावसंख्येवर. 12 चेंडूचा खेळ समाप्त झाला एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. भैरवनाथ विचुंबे संघाची धावसंख्या धाव फलकावर एक गडी बाद, 14 धावा धाव फलकावर. जिंकायचं असेल तर मोठ्या स्ट्रोकचं सिलेक्शन करणं अतिशय गरजेचं असणार आहे. यावेळी विचुंबे क्रिकेट संघाला अतिशय सुंदर आयोजन, क्रिकेटचा रंगमंच, सरपंच चषक 2018, निस्सीम प्रेमाचं मूर्तिमंत प्रतीक म्हणजे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट, आयोजकांच्या जादुई मेहनतीने साकारलेली ही भव्य दिव्य स्पर्धा. आणि रायगड आणि ठाण्याचा विचार केला पूर्णपणे क्रिकेटला भगवंताप्रमाणे पूजलं जातं, त्यावरती माझा एक लेख आहे ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर खेळ केला सुरू, क्रिकेटचं टॅलेंट नसा नसत भरू. रायगड ठाण्यात हाय क्रिकेटची क्रेज, गावोगावी पोर लई तरबेज. टेनिस क्रिकेटचा लय गाजा बाजा, स्पर्धेचं आयोजन रॉयल म्हणजे राजा. क्रिकेटचा खेळ पूर्ण जगती गाजू, रायगड ठाणे दोन्ही जिल्हे एका नाण्याच्या बाजू. आखाती देशात जाऊन वाजवताय डंका, टेनिस क्रिकेट पटूंना कमी समजू नका. आमची महाराष्ट्राची पोरं आहेत लय हुशार,
त्यांनी गाजून सोडली या दुबई कतार। क्रिकेटचे प्रेक्षक आहेत खूप दर्दी, डे असो नाईट ते करतात गर्दी। इथे मात्र तितका चांगला फटका फलंदाजाच्या माध्यमातून फक्त येईल एक धाव, एका धावेनं सांघिक कोटा इथे मात्र भरला जातोय। संघाची धाव संख्या जाऊन पोहोचतीये 15 धावा, 1 गडी बाद, भैरवनाथ विसुंबे क्रिकेट संघ। गोलंदाजीच्या माध्यमातून गोलंदाज प्रवीण मुंबईकर या न्यू पनवेलच्या मैदानावरती अदईच्या नगरीमध्ये चांगली गोलंदाजी साकारताना पाहतोय। मग फलंदाजीच्या माध्यमातून आशिष भोईर आणि अजित भोईर या फलंदाजांना चांगले मोठे स्ट्रोकचं सिलेक्शन करणं तितकंच गरजेचं असणार आहे। वारंवार चर्चा सत्र गोलंदाजांनी ते मात्र पोचवली जातीये। पागती परिवर्तन चेंज ऑफ स्पेस इथे मात्र केला जातोय, फक्त सन्मान दिला जातोय, समाचार मात्र घेतला जात नाहीये। ऋषी नाईकचा सोडलेला असेल खूपच मागडा ठरलाय यावेळी भैरवनाथ विसुंबे क्रिकेट संघाला। 4 धावसंख्येवरती असताना तिसरा परेरानं झेल सोडला होता रोहिटमॅन शर्माचा, आणि कोलकात्याच्या इडन गार्डन वरती 264 धावा ठोकल्या होत्या रोहित शर्मानं। तशाच प्रकारचा खेळ पाहिला पहिल्या सत्रामध्ये, 26 या धावसंख्येवरती झेल सोडला खऱ्या अर्थानं यावेळी विसुंबे संघानं, आणि तब्बल ऋषी नाईकनं 21 चेंडूमध्ये 58 धावा ठोकल्या। हा जेल सुटल्यानंतरचा रेकॉर्ड आहे, तो मात्र तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय आमच्या समालोचकांच्या माध्यमातून। गोलंदाज सज्ज प्रवीण मुंबईकर अधिराज्य गाजवतोय चांगलं यशिरक्षण ऋषी नाईकच्या माध्यमातून। इथे मात्र विकेटचं पतन, 2 झटके लागताना भैरवनाथ विसुंबे क्रिकेट संघाला एक सुमधुर गोलंदाजी दाखवतोय प्रवीण मुंबईकर। यावेळी फलंदाज बाद झालाय आशिष भोईर, तंबूच्या आश्रयाला येतोय येणारा फलंदाज आशिकेश भोईर या फलंदाजाला पाहतोय। मात्र अजित भोईरला सुद्धा चांगले फटके खेळणं तितकेच गरजेचं असणार आहे, कारण 2 षटकांमध्ये पूर्णपणे बांधून ठेवलंय तेवढा पण वाल संघानं भैरवनाथ विसुंबे क्रिकेट संघाला। फलंदाज सज्ज होतोय, सफल झाला होता यावेळी बॅटची इनसाइड एज, बॅट मात्र निश्चितच यष्टांना टच होती आहे। यावेळी फलंदाज बाद होतोय, चाणक्य रीतीची पंचांची भूमिका सांडी पालकर केवाले यांच्या माध्यमातून। नक्की ज्याप्रमाणे चातक पक्षी पावसाच्या पहिल्या थेंबाची वाट पाहत असतो त्या पद्धतीनं भैरवनाथ विसुंबे संघ चौकार षटकाराची वाट पाहतोय। कब आएंगे मेरे कर्ण अर्जुन, मात्र यावेळी षटकार चौकार केव्हा येतील हे पाहणं अतिशय गरजेचं असेल। मात्र 12वा खेळाडू आमच्यापर्यंत थोडा निराश असेल, कारण पहिल्या षटकापासून थोडासा निराशाजनक खेळ भैरवनाथ विसुंबे संघाचा झालाय। मात्र अंतिम षटकापर्यंत लढा द्यायचा असेल तर संघर्ष संघर्ष फक्त संघर्ष करावा लागेल विसुंबे संघाला। हे पहा संघर्षमय फटका, 3 शतरक्षक दौडले जात आहेत, शर्यत जिंकली चेंडून चांगला फटका इथे मात्र खेचला जातोय फलंदाजाच्या माध्यमातून। सांघिक कोटा धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये 20 धावा धाव फलकावर। नक्कीच चांगले फटके, 3 षटकांचा खेळ इथे मात्र समाप्त होतो 18 चेंडूंच्या खेळीनंतर। भैरवनाथ विसुंबे संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये 20 या धावसंख्येवर, येणारे 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 54 धाव्यांची दरकरार। अजूनपर्यंत दिल्ली दूर असेल, जो प्रवास प्रवीण दादा हर्बर लाईन ने केलाय तो प्रवास मात्र बुलेट ट्रेनचा इस्तेमाल आणि वापर करून करावा लागणार आहे तो भैरवनाथ विसुंबे क्रिकेट संघाला। पूर्णपणे न घाबरता चांगला खेळ करावा लागणार आहे, मात्र फलंदाजीचा विचार केला शेवटच्या क्षणापर्यंत लढा देण्याची क्षमता भैरवनाथ विसुंबे संघामध्ये आम्ही अनेक वेळा पाहिली आहे। एखाद्या कलीप्रमाणे फुलताही येतं आणि दर्शक वर्गाला सुगंधही देता येतं, इतकी सुगंधित फलंदाजी आम्ही अनेक वेळा भैरवनाथ विसुंबे संघाच्या माध्यमातून पाहिली आहे। ती मात्र सुगंधित फलंदाजी कधी येईल हे पाहणं सुद्धा तितकंच महत्वाचं असेल, कारण फलंदाजीच्या माध्यमातून निलेश निलेश जोयकर या फलंदाजाच्या माध्यमातून
चांगला खेल आम्ही अनेक वेळा पाहिलाय, ना मुरत देखते है ना सुबह का सूरत देखते है, ये बैट्समैन टीम की जरूरत है देखते है, तशा पद्धति का खेल निलेश मात्र करावा लागेल, अजित भोईर दाखवा लागेल। शॉर्ट ऑफ लाइन का चेंडू क्षेत्र रक्षक तैनात, दुसरा प्रयत्न जेल घेण्याचा प्रयत्न पाहिला, जेल सुटला जातोय, पकडू क्या जीतो मैच, हे क्रिकेट चे समीकरण असत्यात उतरवताना उडापून वाल क्रिकेट संघ एक या धाव संख्येने संघ जाऊन पोहोचलाय। 21 धावांची लयलूट केली आहे, म्हणजे येणारे 11 चेंडू जिंकण्यासाठी 53 धावांची अद्याप पर्यंत गरज आहे ती भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट संघाला। गोलंदाज सज्ज होतोय, आकाश घरत या गोलंदाजाचा वापर केला जातोय, चांगले फटके अदा केले जात आहेत, चार धावांचं चांदणं इथे मात्र शिंपलं जात आहे फलंदाज निलेशच्या माध्यमातून। सन्माननीय वासुदेव दादा भिंगारकर माजी सरपंच यांना विनंती करतो, या पण आपल्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत। क्रिकेट खेळाची रंगत पाहुण्यांच्या संगत प्रेक्षकांच्या साक्षीने मोठा सामना विचुंबे बनाम वहाल। यावेळी फलंदाजांचे बेहाल, वाल क्रिकेट संघाचा फलंदाज आकाश गरजच्या माध्यमातून केला जातोय, विकेटचं पतन, फलंदाज बाद, निलेश बॅक टू द पवेलियन। पहिले आपण षटकामध्ये निश्चितच पूर्णपणे बांधून ठेवलं ते प्रदीप पाटील, त्यानंतर आदिला पाहिला, आदीनं धावा खर्च केला तब्बल 13, त्यानंतर प्रवीण मुंबईकर धावा खर्च केल्या 6, तीन षटकांचं गणित जोडलं तर चांगली आपण बॉलिंग लाईन पाहिली ही ओडाफोन वाल संघाच्या माध्यमातून। समीकरण येऊन टेपलंय, 9 चेंडू 49 धावांची गरज असेल यावेळी, मोठा प्रहार, हवाई सफर, हवाई हल्ला, इथे मात्र क्षेत्ररक्षकांचा बोल बाला, बॅक टू बॅक दोन झटका इथे मात्र विचुंबे क्रिकेट संघाला, चांगले खेळ गोलंदाजीच्या माध्यमातून। सन्माननीय वासुदेव शेठ भिंगारकर माजी सरपंच यांचं यावेळी शुभांगमन होतोय। येणारे 8 चेंडू जिंकण्यासाठी 49 धावांची गरज, ग्रामपंचायत अध्यक्ष संतोष दादा पाटील यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत, मोस्ट वेलकम। मात्र यावेळी स्वागत केलं जात चौकारानं, फलंदाज अविनाश पाटीलच्या माध्यमातून आलेला प्रहार केला, आपला परिचय दाखवताना संघ जाऊन पोहोचलाय तब्बल 29 या धावसंख्येवर, येणारे 7 चेंडू जिंकण्यासाठी अजूनपर्यंत 45 धावांची गरज, मात्र वारंवार हुळणी देतोय, जणू काय आगीचे गोळे फेकते की काय, असा परिचय आपण आकाश गरजच्या माध्यमातून पाहिला। चार षटकांचा शांत खेळ पाहिला आपण भैरवनाथ विचुंबे संघाच्या माध्यमातून, चार षटकांच्या खेळीनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये 29, 5 विकेट लॉस भैरवनाथ विचुंबे टीम। 29 धावांची लयलूट पाहिली, म्हणजेच येणारे 7 चेंडू जिंकण्यासाठी 45 धावांची गरज। युअर द वॉचिंग द वन साइड मॅच, नो एक्साइटमेंट, सामन्यामध्ये मजा नसेल, मात्र खराब चेंडू टाकले मात्र हे मात्र करू देणार नाहीये ऋषी नाईकचा पूर्ण सांघिक कोटा, कारण चार गोलंदाजांना कमावलंय ते मात्र गमावणार नाहीये हा पाचवा गोलंदाज। उडापून वाज संघाच्या माध्यमातून तितकीच चांगली फलंदाजी, तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहिलं, पहिल्या षटकापासून सामना झुकवला तो आपल्या बाजूनं, त्यानंतरचा विचार केला, आधीनं चांगली गोलंदाजी केली, प्रवीण मुंबईकरनं अधिराज्य गाजवलं, आकाश गरजनं अनेक फलंदाजांना परत पाठवलं, पाचव्या षटकासाठी स्वतः संघनायक ऋषी नाईकनं इथे मात्र षटक आपल्या हातामध्ये घेतलंय। ऋषी नाईक इथे मात्र कुठला रेकॉर्ड प्रस्थापित करेल हे पाहणं सुद्धा गरजेचं असणार आहे। फलंदाजीच्या माध्यमातून 21 चेंडू मध्ये तब्बल 58 धावांची खेळी ऋषी नाईकच्या माध्यमातून केली आहे फलंदाज सज्ज ऋषी नाईक। ऋषी नाईकनं जे षटकार लगावले ते मात्र कमावले, बघतोस काय रागानं षटकार मारलाय वागानं, आमचं प्रवीण गायकर यांचं वाक्य आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय, निश्चितच एका वाघानं शिकार केली होती,
निश्चितच भैरवनाथ विचुंबे संघाची मात्र त्या वाघाला मात्र सडेतोड प्रत्युत्तर देताना फलंदाजीच्या माध्यमातून किरण भोईर किरणोत्सव टाकताना फलंदाजीच्या माध्यमातून येणाऱ्या चेंडूंचा विचार केला. येणारे पाच चेंडू जिंकण्यासाठी 39 धावांची गरज. चेंडूची पूर्तता लगेचच करायची आहे. तेलही गेलं, तुपही गेलं, हाती राहिलं ते डोपटणं. धोपी पछाड फलंदाजी अंतिम क्षणाला. सातव्या क्रमांकाचा फलंदाज किरण भोईर ऑन फायर. येणारे पाच चेंडू 39 धावांची गरज. हे विली तोफा होता, तोफा होता. दोन्ही हातामध्ये कबूल करणं अतिशय गरजेचं होतं. शेवटच्या निर्वाणीच्या षटकामध्ये जर आपल्या विचुंबे क्रिकेट संघाच्या प्रेक्षकांना आणि 12व्या खेळाडूला खुश करायचं असेल तर षटकार चौकार ठोकणं अतिशय गरजेचं असेल भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट संघाला. पा यावेली मोठा फटका. क्षेत्ररक्षक तैनात, त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू सीमापडी गेले. चार धावांसाठी फेकून दिला जाते. फलंदाज अविनाश पाटीलच्या माध्यमातून संघ जाऊन पोहोचलाय 40 धावसंख्येवर. येणारे तीन चेंडू जिंकण्याचा विचार केला. पूर्णपणे एकतर्फी सामना. 34 धावांची गरज. ऋषी नाईकनं केलेल्या 58 धावा त्याच्या जोरावरती पूर्णपणे अधिराज्य गाजवलं उडापूर वाल संघानं. ही सर ओलक आहे ऋषी नाईकची. मात्र ऋषी नाईकला सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. अविनाश पाटील, इट इज अ बिग हिट. सिक्स षटकार, चांगला खेळ. बॅट आणि चेंडूची नाल जोडली जातीये. चेंडू म्हणतो बॅटला जाऊ दे ना व मला उडायला जायचंय. चेंडू उडला जातोय षटकारासाठी. पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न. निर्धाव चेंडूची सांगता केली जातीये. येणारे चेंडू असतील फक्त फक्त एक जिंकण्यासाठी 28 धावांची गरज. याच त्या 28 धावा विसरणार नाहीये भैरवनाथ विचुंबे संघ. 26 या धावसंख्येवरती विकेट घेतली असती पण निश्चितच विचुंबे संघानं अधी राज्य गाजवलं. 32 धावा निश्चितच वाचू शकला असता, ते मात्र घडलं नाहीये. शेवटचा चेंडू, सामना अजूनपर्यंत जिंकला नाहीये. वाईट चेंडू करार, बिना मेहनतीची धाव. उडापण वाल क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून दान केली जातीये. यावेळी भैरवनाथ विचुंबे संघाला येणार एक चेंडू. 27 धावांची गरज. एक तर्फी सामना खचाखच भरलेला राजीव गांधी क्रीडा नगरी न्यू पनवेल आता ही मैदान. 23 धावांना पराभव इथे मात्र स्वीकारावा लागतोय भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट संघाला. तर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच समान करी टेनिस क्रिकेट वरती अनेक वर्ष अधिराज्य गाजवणारा ऋषी नाईक उडापण वाल. 21 चेंडू 58 धावा.